यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए ऐसी शर्त रख दी कि यूक्रेन की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि पुतिन ने साफ कर दिया कि वो जंग रोक देंगे लेकिन यूक्रेन के उन इलाकों को नहीं छोड़ेंगे जिन पर रूस ने कब्जा किया है। क्योंकि रूस ने यूक्रेन के उन इलाकों में जनमत संग्रह करवाया था जिसके नतीजे उसके पक्ष में आए थे, जिसके बाद पुतिन ने रूस की संसद से ऐलान किया था कि जनमत संग्रह वाले इलाकों में रूस का कानून चलेगा। रूस ने पिछले साल लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसोन और ज़ापोरिज़िया में जनमत संग्रह करवाया था जिस पर यूक्रेन का खून खौल उठा। उसने इन इलाकों पर कब्जे की कोशिश शुरू कर दी। अपनी पूरी ताकत से लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसोन और ज़ापोरिज़िया में रूस की सेना पर पलटवार किया गया लेकिन नतीजा नहीं निकला और रूस दावा करता रहा कि यूक्रेन के चार बड़े इलाकों पर उसका कब्जा है। इस बारे में पुतिन ने एक बार फिर बात की और वो एक कार्यक्रम के दौरान बोले और यूक्रेन को सीधे शब्दों में अपनी बात बताई। क्योंकि कार्यक्रम में पुतिन ने साफ कहा कि लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसोन और ज़ापोरिज़िया हमेशा के लिए रूस का हिस्सा बन चुके हैं जिनकी रक्षा के लिए रूस पूरी ताकत लगाएगा। यही नहीं, पुतिन ने ज़ेलेंस्की से कड़े शब्दों में बोल दिया कि वो युद्ध रोक कर बातचीत की मेज पर आए। यानी पुतिन जंग रोकने को तैयार हैं लेकिन अपनी शर्तों पर, जिन्हें यूक्रेन के लिए मानना मुश्किल है। क्योंकि अगर पुतिन ने यूक्रेन के चार हिस्सों को रूस में मिला लिया तो फिर बातचीत का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अपने चार इलाकों को रूस को सौंपने की शर्त पर बात करना जंग हारने से कम नहीं है। और इधर महाराष्ट्र के यवतमाल से 12वीं की परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल करवाने का एक वीडियो सामने आया जिसमें परीक्षा केंद्र में वहां पर एग्जाम दे रहे छात्रों के परिवार वाले उन्हें जवाबों की पर्चियां देते नजर आए और ये सब वहां खुलेआम किया गया। कोई खिड़की से तो कोई दीवार पर चढ़कर जवाबों की पर्चियां फेंकता हुआ नजर आया जिसका वहां मौजूद कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया। इस परीक्षा केंद्र पर जिले के 12वीं के छात्र फिजिक्स की परीक्षा देने पहुंचे थे जिनके पीछे पीछे उनके परिवार वाले परीक्षा में उन्हें नकल करवाने के लिए पहुंच गए। और उधर खबर है कि अमेरिका की वायुसेना के लिए एक ऐसा ड्रोन तैयार किया जा रहा है जो इंसानों का चेहरा पहचान कर उन्हें अपना निशाना बनाएगा। दावा है कि इस नए हथियार से दाऊद इब्राहिम समेत कई दूसरे आतंकियों पर हमला करने में आसानी होगी और इस ड्रोन में वो तकनीक होगी जिसे अब तक सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में ही देखा गया है, लेकिन दावा है कि जल्द ही ये हकीकत में तब्दील हो जाएगी। यानी अमेरिका की वायुसेना को ड्रोन के रूप में एक ऐसा खतरनाक हथियार मिल जाएगा जो चेहरा पहचान कर अपने टारगेट पर हमला करेगा। खबर है कि इसके लिए इस ड्रोन को चेहरे पहचानने वाले सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना ने इसके लिए $729 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 6,000 करोड़ से ज्यादा की डील की है। वहीं इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी का दावा है कि इसका निशाना 100% सटीक बैठता है। इसके साथ ही इसमें कई किलोमीटर दूर से ही किसी के भी चेहरे की पहचान कर लेने की क्षमता है जिसकी मदद से ये अपने टारगेट को हर हाल में तबाह कर देगा, फिर चाहे वो दुश्मन का कोई हथियार हो या आतंकी। और अमेरिका तो ये भी दावा कर रहा है कि इस ड्रोन को रेस्क्यू मिशन, सुरक्षा और किसी सर्च ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका इसका इस्तेमाल सर्जिकल स्ट्राइक के लिए कर सकता है और उसके निशाने पर पाकिस्तान में बैठे आतंकी हो सकते हैं जिनकी वो लंबे वक्त से तलाश कर रहा है। खबर है कि इस खास ड्रोन के जरिए अमेरिका भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम का खात्मा भी कर सकता है जो 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों के बाद से ही पाकिस्तान में छिपकर बैठा है और वहीं से वो भारत के खिलाफ आतंकी साजिश और अपराध की दूसरी घटनाओं को अंजाम देता है। दाऊद को अमेरिका ने पहले ही ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर रखा है। यानी जैसे ही अमेरिकी वायुसेना को ये घातक ड्रोन मिल जाएगा उस वक्त से दाऊद जैसे आतंकियों को मारने की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी।